हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज कॉन्सेप्ट क्लियर सेंटर, वर ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर होता क्या है, हम इसका मीनिंग, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिटीज और क्या स्किल्स चाहिए एक अच्छा प्रोजेक्ट इंजीनियर बनने के लिए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फी सबमिट कर दें, जो कि वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे इस टॉपिक का नाम कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। प्रोजेक्ट इंजीनियर मीनिंग, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर होते हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, ओके? जो भी प्रोजेक्ट इन्हें दिया गया है उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग और टेक्निकल नॉलेज देने की, ओके? और साथ ही साथ उस नॉलेज को यूज करके उस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने की। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर होते हैं ये काम करते हैं, ओके? क्या काम करते हैं? प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, ओके? प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया क्या होगा, मीन्स प्रोजेक्ट को हमें कैसे बनाना है? प्रोजेक्ट का रिव्यू करते हैं, मीन्स रिव्यूज लेते हैं, ओके? मीन्स जो भी रिव्यू टीम होती है आपके साथ काम करने वाली, उसके साथ आप काम करते हो ताकि आप प्रोजेक्ट के रिव्यूज ले सको, ओके? वो साथ ही साथ इंश्योर करते हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका, ओके? फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई घर बनाना है तो उसके जो भी प्रोजेक्ट एलिमेंट्स होंगे, मीन्स पहले आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे, ओके? फिर आप उस घर को बनाएंगे, उस घर को बनाने के बाद उसका प्लास्टर वगैरह करवाएंगे, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट, जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है उसको प्रिपेयर करना, शेड्यूल करना कि ये प्रोजेक्ट हमें कब बनाना है और कब तक बनाना है, ओके? कोऑर्डिनेट करना, यानी प्रोजेक्ट बनाने वाले जो भी लोग प्रोजेक्ट बनाने में काम कर रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ओके? और मॉनिटर करना जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उसको। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स को देखना एंड साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज है, ओके? वो आपके मोस्ट कैपेबल एम्प्लॉयज को देना, ओके? वो जिम्मेदारियां देना, ओके? प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम देना बेसिकली, और मॉनिटर करना प्रोजेक्ट टीम को, ओके? मींस जो आपकी टीम है, प्रोजेक्ट टीम है जो प्रोजेक्ट बना रही है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। इसके अलावा जो क्लाइंट्स हैं जिसने आपको प्रोजेक्ट दिया, ओके? उसके साथ इंटरेक्ट करना, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट्स कह रहा है भाई मुझे घर में अब स्विमिंग पूल भी बनवाना, ओके? तो उसकी जरूरत का ख्याल रखेंगे हम, ओके? हाँ भाई कैसी बात कर रहे हैं, अभी बनवा देते हैं स्विमिंग पूल, बड़ी बात है। एंड जब भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं, ओके? जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बन रहा है उस फील्ड में जब भी आप काम कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है उसके ऊपर रिपोर्ट बना के अपने सुपीरियर्स को देना, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ काम करना, ओके? और जो भी दूसरे प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी और भी जो दूसरे लोग होते हैं प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं उनके साथ काम करना, ओके? इसके अलावा सीनियर इंजीनियर्स के साथ काम करना ताकि आप और अच्छे इफिशियंट प्रोजेक्ट मैनेजर यूज कर सकें। इससे होगा क्या, जो प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, मीन्स आपका जो प्रोजेक्ट है वो मुनाफे में रहेगा। अगर प्रोजेक्ट ही हमारा घाटे में चला गया तो आपकी नौकरी तो चली गई, है ना? इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी काम है उसे रिव्यू करना, अगर कोई काम गलत हो रहा है, ओके? मींस सही से नहीं हो रहा तो उसको सही करने की कोशिश करना जैसी जरूरत हो उस हिसाब से। जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट चाहिए, ओके? वो भी देखना, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डेटा उसको कलेक्ट करना, ओके? अब होता क्या है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें अलग अलग टेस्ट मेथड्स करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर घर बना रहे हैं तो आप वहां की जो मिट्टी है उसका टेस्ट करेंगे, ओके? मींस ये जो मिट्टी है घर बनाने लायक है या नहीं है, ओके? और साथ ही साथ आपको ये देखना होती है जो टेस्ट मेथड्स आप यूज कर रहे हो, ओके? वो इफिशियंट है या नहीं है, नाम के तो टेस्ट नहीं है खाली। एंड लास्ट, इंश्योर करना जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो वो सरकार के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत आए, ओके? एंड लास्ट आती है क्वालिटीज या फिर स्किल्स। फर्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड किसी फील्ड में। सेकंड, आपके पास एक वैलिड इंजीनियरिंग लाइसेंस होना चाहिए। थर्ड, आपको पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड का या फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग का, ओके? नेक्स्ट, कंप्यूटर लिटरेसी, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा डिजाइन एंड विजुअलाइजिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसकी आपको नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ यूज करना आना चाहिए, ओके? एबिलिटी टू वर्क विद मल्टीपल डिसिप्लिन प्रोजेक्ट्स, यानी अगर आपको दो से ज्यादा प्रोजेक्ट दे दिए गए, ओके? तो आपको उन सभी प्रोजेक्ट को पूरा करना है, ओके? टाइम पर। इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल और सुपरविजन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, चीजों को आप सिस्टमेटिक वे में काम करो। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आप अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करो, ओके? लीडरशिप, आपको एज अ लीडर भी काम करना पड़ेगा क्योंकि आपके जो अंडर में काम करने वाले लोग हैं, ओके? वो आपको एज अ लीडर देखते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, सही जगह पर सही डिसीजन ले सको आप। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होने चाहिए, चाहे रिटन हो या वर्बल हो। एंड लास्ट, सरकार के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए।
तो ये सारी क्वालिटीज और स्किल्स एक अच्छे प्रोजेक्ट इंजीनियर के पास होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतनी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें। कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट में पूछें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।